नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और वरिष्ठ उपाध्याय। आतंकियों का आका पाकिस्तान इन दिनों बुरी तरह से घिरा हुआ है, जहां एक तरफ खाने के लाले पड़ रहे हैं तो भाई दूसरी तरफ उसे कोई भी भीख देने के लिए तैयार नहीं है। खासकर उसकी कौम के देश उसे झटके पर झटका देने लगे हैं। इस्लामिक देश सऊदी अरब तो इतना खफा हो गया है कि वो लगातार कंगाल मुल्क पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती करते हुए हर मोर्चे पर कमर तोड़ रहा है। ये वही सऊदी अरब है जिसके ऊपर पाकिस्तान कुछ दिनों पहले तक कूदता था, मगर अब सऊदी अरब ने इस नापाक और एहसान फरामोश मुल्क से ऐसा पल्ला झाड़ा कि इसकी सारी हेकड़ी निकाल दी। ये बात दुनिया अच्छे से जानती है कि नए हिंदुस्तान की विदेश नीति का ही नतीजा है कि जिसने कट्टरपंथी तुर्की और मलेशिया को छोड़कर दुनिया के बड़े से बड़े इस्लामिक देशों को अपने कब्जे में ले लिया है, जो आतंकी देश पाकिस्तान के साथ संक्रमित कुत्ते की तरह व्यवहार कर रहे हैं, और इसका हाल ही में उदाहरण भी देखने को मिला था। इमरान खान की तमाम कोशिशों के बावजूद FATF की बैठक में तुर्की के अलावा किसी ने भी उसका समर्थन नहीं किया। खास बात यह रही कि इस मामले में पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन के अलावा सऊदी अरब और मलेशिया ने भी धोखा दे दिया, जिसके चलते पाकिस्तान को अगले साल फरवरी तक ग्रे लिस्ट में ही रहना होगा। इसी बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। दरअसल सऊदी सरकार ने अगले महीने होने वाली G20 समिट के लिए एक विशेष नोट जारी किया है। इसके पिछले हिस्से पर G20 देशों के नक्शे हैं, मगर इसमें कश्मीर, गिलगित, बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं दिखाया गया है। इन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर दिखाया गया है। पाकिस्तान की सरकार ने इस पर अब तक कोई भी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है। बता दें कि G20 शिखर सम्मेलन 21 और 22 को रियाद में आयोजित किया जाएगा। सऊदी अरब सरकार और प्रिंस सलमान के लिए अध्यक्षता का ये मौका फख्र की बात है। 24 अक्टूबर को इस मौके को यादगार बनाने के लिए सऊदी सरकार ने 20 रियाल का बैंक नोट जारी किया है। इसमें सामने की तरफ सऊदी किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज का फोटो और स्लोगन है। दूसरे यानी कि पिछले हिस्से में वर्ल्ड मैप है। इसमें G20 देशों को अलग अलग रंगों में दिखाया गया है। इसमें कहीं भी कश्मीर के अलावा गिलगित और बाल्टिस्तान को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बताया गया है। यानी कि जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर सऊदी अरब को OIC की धमकी देना पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है। बता दें कि फिलिस्तीन और कश्मीर पर पाकिस्तान की नीति समान है, लेकिन सऊदी अरब और इजराइल के भारत से काफी करीबी रिश्ते हैं। प्रिंस सलमान ने बदलते वक्त के साथ विदेश नीति भी बदली है। वे अब भारत को काफी ज्यादा महत्व दे रहे हैं। पाकिस्तान उनकी नजर में कहीं नजर नहीं आता। हालात यह है कि अगस्त में सऊदी अरब सरकार ने फौरन कर्ज वापस करने को कह दिया था, जबकि पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर था। कश्मीर मुद्दे पर भी सऊदी सरकार ने भारत के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बाकी अरब देशों ने भी यही किया। पाकिस्तान अब नया गुट बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें उसे चीन और तुर्की का साथ मिल रहा है, लेकिन अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब इस पर नजर बनाए हुए हैं, जिसमें भी यह आतंकी मुल्क कामयाब नहीं हो पाएगा। तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से एक और थप्पड़ पड़ा है, वो भी सऊदी अरब की राजधानी रियाद में। दरअसल रियाद में मौजूद पाकिस्तान का दूतावास 27 अक्टूबर को कश्मीर के काले दिवस के रूप में मनाने की तैयारी में जुटा हुआ था। इसको लेकर पाकिस्तानी दूतावास एक सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन कराने की फिराक में था, लेकिन इस खबर के आते ही तुरंत सऊदी प्रशासन एक्टिव हुआ और पाकिस्तानी दूतावास को आसान भाषा में यह समझा दिया कि वो ऐसे किसी भी कार्यक्रम को रियाद में आयोजित नहीं होने देंगे। और सऊदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि अब दुनिया के लिए कश्मीर कोई मुद्दा नहीं रहा है, इसलिए इमरान खान अपनी झूठ की दुकान को अपने तक ही सीमित रखो। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।